स्वाइन फ्लू के बढ़ते असर के बीच विभिन्न संस्थाओं की ओर से इसके बचाव के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में डिस्कॉम कर्मचारियों को स्वाइन फ्लू से बचाने के लिए गुरुवार को दवा वितरण शिविर लगाया गया। जोधपुर डिस्कॉम और ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी की ओर से लगाए गए शिविर में दवा का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक सुमेर सिंह यादव ने किया। शिविर में होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर दीवान और डॉक्टर रिजवान ने सेवाएं दी। होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आज यहाँ न्यू पावर स्थित डिस्कॉम ऑफिस में लगाया है। आज के इस कैंप में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हम निःशुल्क दवा सब डिस्कॉम अधिकारियों को हम दे रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि स्वाइन फ्लू जिस तरह से पैर फंसा रहा है, हमने MD साहब से बात की कि हम एक कैंप यहाँ डिस्कॉम परिसर के अंदर रखना चाहते हैं, जिससे डिस्कॉम के परिवार जितने भी इंजीनियर अधिकारीगण हैं उनको हम दवाएं पिलाएं, जिससे स्वाइन फ्लू से बचाव हो सके। तो आज हमने MD साहब के हाथों से आज का कैंप का शुभारंभ किया है। हमारा उद्देश्य स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए लोगों को अवेयरनेस करना भी है। छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज किया था ताकि एक अवेयरनेस स्वाइन फ्लू जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डिस्कॉम की तरफ से हम दे सकें, और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। और जो ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी है उसकी तरफ उनको हमने कल रिक्वेस्ट किया था कि समाज में इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमारा भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमारे भी जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ बहुत पब्लिक टच में रहती है उन, क्योंकि अगर वो बीमार होंगे उनको स्वाइन फ्लू होगा तो वो आगे स्प्रेड भी हो सकता है, उसके प्रिवेंशन के लिए ये दवा पिलाने का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। और हमारे जहाँ जितने भी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स हैं सब ने इसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और हमने मिनिमम टाइम लगा के ताकि पब्लिक का टाइम भी ख़राब ना हो, पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी ना हो, निगम का टाइम भी ख़राब ना हो, और एक मैसेज भी जा सके, वो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया।